हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज का हमारा लेक्चर 3 होने वाला है, जिसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड होगी न्यूटन लॉ इन रेजिस्टिव मीडियम। तो कल मैंने लेक्चर 2 के अंदर आपको जाते जाते एक प्रॉब्लम दे के गया था कि आपको एक बॉल दी हुई थी जिसका मास एम था, इसे आपने ड्रॉप किया था यू इक्वल टू जीरो, यहाँ पे टाइम जीरो था, एक्स जीरो था, तो इस और इस पे डैम्पिंग फोर्स यानी कि जो रेजिस्टिव फोर्स वो किसके प्रोपोर्शनल था, वी स्क्वायर के। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी थी और इसमें क्या निकालनी थी, वी की डिपेंडेंसी ऑफ टाइम और एक्स की डिपेंडेंसी ऑफ टाइम। अगर आपने ट्राई किया और आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तो एक दो क्वेश्चन ने डिस्कस किए हैं, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है और आज के इस सेशन के अंदर अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है टिफर के अंदर, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, न्यूटन लॉ लगाएंगे, इस पे मासेस देख लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना के कहां कहां लग रहे हैं, एमजी नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, और इसकी नेट मोशन किधर की तरफ हो रही है, नीचे की तरफ, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, एफ नेट इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एफ नेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, एमजी माइनस केवी स्क्वायर, एमजी माइनस केवी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन लिख दी मैंने, ए कितना आ गया यहां से, जी माइनस के बाय एम वी स्क्वायर। अब आपको निकालना है वी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, डीवी बाई डीटी। एक्सेलरेशन को आपने लिख लिया डीवी बाई डीटी। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, वी को डीवी के साथ ले आओ और डीटी को उधर ले जाओ, डीवी ये क्या आ जाएगा, जी माइनस के बाय एम वी स्क्वायर, और इधर कितना आ गया डीटी। अब इंटीग्रेट करना है आपको, अब इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे टाइम कितना था जीरो, अब इस इंस्टेंट पे टाइम कितना है टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और इस इंस्टेंट पे मान लो वेलोसिटी क्या है, वी, तो मैंने यहां पे वेलोसिटी वी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके अंदर यहां वेलोसिटी थी, वेलोसिटी थी, तो यहां पे 1 बाय वी उसका आपने लॉग लिख दिया था इंटीग्रेशन, लेकिन यहां पे वी स्क्वायर है। तो देखो दो मेन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि याद रखना इंटीग्रेशन के, वो रेजिस्टिव मीडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होते हैं वो। पहला रिजल्ट तो ये है, dx by x square minus a square, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो x square minus a square, तो इसका क्या होता है 1 by 2a log x minus a divided by x plus a। एक तो ये रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट है dx divided by x square plus a square, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, जब प्लस का साइन आता है तो कौन सा फॉर्मूला बनता है, 1 by a tan inverse एक्स वाई। तो ये दो रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं न्यूटन लॉ इन रेजिस्टिव मीडियम के लिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो बीच में क्या साइन है, माइनस का, यानी कि आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी कि जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर है, तो आपको क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यानी कि आपको पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। मैं करता हूं माइनस के बाय एम को कॉन्स्टेंट ले लेता हूं, माइनस के बाय एम, यहां क्या बनेगा वी स्क्वायर, क्योंकि माइनस के बाय एम मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, यहां पे आ जाएगा माइनस एम जी बाय के, यही बचेगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो यही बन रहा है क्या, माइनस के बाय एम वी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एम से एम गया, के से के गया, जी आ गया, ठीक है। इधर तो ये आ गया, और इधर कितना है डीटी का इंटीग्रेशन करोगे टी, और लिमिट कितनी है जीरो से टी। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहां है जीरो से वी, ये तो कांस्टेंट है, इसको ये ऊपर चला जाएगा माइनस एम बाय के, माइनस एम बाय के डीवी, लिमिट्स जीरो से वी, और अपना जा रहा है ये वी का स्क्वायर माइनस, मैं इसको क्या लिखते रहता हूं, एम जी बाय के का रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, और ये किसके इक्वल है टी के, ये किसके इक्वल है टी के, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, अपना ये फॉर्मूला बन गया। अब माइनस एम बाय के, अब क्या करना है, वन बाय टू ए, ए कितना है ये रहा वन बाय टू,
ए कितना है एम जी बाई के का रूट लोग एक्स माइनस ए, एक्स क्या अपना वी, वी माइनस एम जी बाय के का रूट, और यहां वी प्लस एम जी बाई के का रूट, और लिमिट्स क्या जाएंगी जीरो से वी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, बस लिमिट्स लगानी है अपन को और सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहां थोड़ा वो सोल्व करके देख लो, ये कितना आ रहा है टी इज इक्वल टू माइनस एम बाई के, ये के ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा एम जी बाय रूट। ठीक है, यहां वी रखोगे तो क्या आएगा लोग, यही आएगा सेम वी माइनस एम जी बाई के का रूट डिवाइडेड बाय वी प्लस एम जी बाय के का रूट माइनस, जब जीरो पुट करोगे लोअर लिमिट क्या है जीरो, जीरो पुट करोगे ये चीज जीरो, ये चीज जीरो, ये माइनस एम जी बाई के का रूट, ये प्लस एम जी बाई के का रूट, ये कैंसिल हो जाएगा लोग माइनस वन, लोग वन क्या होता है जीरो, तो ये कितना आ जाएगा जीरो। ये आपको दिख रहा है ना एग्जैक्ट, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना जीरो। अब देख लो आपको किसको निकालना है, वेलोसिटी को निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस सारी क्वांटिटी को इधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर लेके जाते हैं, देखो इसको पहले 2 km और ये सब चीजें इधर ले जाओ, ये कितना बनेगा लोग लोग वी माइनस एम जी बाई के का रूट, ये कितना आएगा लोग वी माइनस एम जी बाई के का रूट डिवाइडेड बाय वी प्लस एम जी बाई के का रूट। ठीक है, ये आपने एज इट इज लिख दिया, इस बाकी क्वांटिटी को उधर भेज दो, ये क्या बनेगा माइनस 2 KT बाय एम, और ये कितना है एम जी बाई के का रूट। अब जो चीज यहां पे कैंसिल होगी वो कैंसिल कर देंगे अपन, तो क्या आएगा ये यहां पे के है, यहां पे के है, ये रूट के है, तो ऊपर क्या बचेगा रूट के, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा रूट, ये रूट एम है, ये आपका रूट एम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट एम, यानी के जी बाय एम या जाएगा रूट में और टाइम इधर। ठीक है, अब क्या करो लोग को इधर लेके जाओगे तो ये सारी क्वांटिटी किस में आ जाएगी, ये सारी क्वांटिटी आपकी एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी, और यहां क्या बचेगा वी प्लस वी माइनस एम जी बाई के का रूट और वी प्लस एम जी बाई के का रूट। अब क्या करना है वी निकालना है, तो इसके नीचे क्या है वन, अब देखो अपने क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वी निकाल लेंगे, ये तो सभी करते हैं। ठीक है, टाइम बचाना है, कैलकुलेशन को इजी सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक तरीका है जिसको बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। ये मैंने 11th क्लास के अंदर सीखा था, जब शायद इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन तो 12th में आया था, पता नहीं कहाँ देखा था ये, लेकिन बहुत हेल्प करता है ये कैसे लगता है देखो, ये आपका न्यूमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल पता है क्या कहता है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऐसा ही राइट हैंड साइड पे कर लो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जहां जैसा ये किया वैसा ही यहां कर लो। देखो इसमें देखो ये अपना न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी कि इन दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस है ये माइनस है, ऊपर क्या बचेगा 2v। अब नीचे क्या कर रहा है न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिरेटर ये रहा आपका वी माइनस एम जी वाई के का रूट, डिनोमिनेटर कितना है वी प्लस एम जी वाई के का रूट, ऊपर में से ये माइनस करोगे तो ये कितना आएगा वी से वी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा माइनस 2 MGY के का रूट, ये आएगा। ठीक है, और यहां कितना आ रहा है नीचे वन है, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी कि ई की पावर माइनस KG/M का रूट टी प्लस वन, और नीचे क्या करेंगे न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर ई की पावर माइनस KG/M का रूट टी माइनस वन। ठीक है, अब देख लो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आ गया ये माइनस MGK का रूट इधर चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस KG/M का रूट टी प्लस वन डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस KG/M का रूट टी
माइनस वन। तो ये अपना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया जो कि कितना आ रहा है, माइनस एम जी बाई के का रूट ई की पावर माइनस के जी बाई एम का रूट टी प्लस वन, और यहां पे ये क्वांटिटी माइनस वन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस आपको ये ध्यान रखना है ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल क्या होता है। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, अब क्या करना है, पोजिशन का निकालना है। तो पोजिशन के लिए मैं डीवी बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं, डीएक्स बाई डी टी। अब वापस वही इंटीग्रेशन का काम करना है, तो इसको रब कर देते हैं सारे को, अब देखो dx और dt को मैं भेज देता हूं उधर, माइनस एम जी बाई के का रूट और ये क्या है मेरा e की पावर माइनस के जी बाई एम का रूट t प्लस वन डिवाइडेड बाई e की पावर माइनस के जी बाई एम का रूट t माइनस वन, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा dt। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, जब भी b ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए e की पावर, आपको या आपको इंटीग्रेशन करना है ठीक है, e की पावर ऊपर भी हो e की पावर नीचे भी हो, तो इसका एक मेथड होता है देखो जनरल फॉर्मूला, e की पावर 2x प्लस 1 है मान लो, e की पावर 2x माइनस 1 है, तो क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो e की पावर माइनस x से, इसको मल्टीप्लाई कर दो e की पावर माइनस x से और अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे तो क्या आएगा e की पावर 2x में से x गया 1 और यहां पे e की पावर माइनस x, अंदर भेजो इसको e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब नीचे वाले को t पुट कर दो, नीचे वाले को t पुट करोगे तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस आ जाएगा प्लस dx इज इक्वल टू dt। तो देखो ये ऊपर वाली टर्म बन गई, अब तो अपना हो ही जाएगा सॉल्व। तो जब भी e वाला आ जाए ना आपको यही ध्यान में रखना है क्वांटिटी, अगर यहां पे e की पावर 2x ना हो e की पावर x हो तब क्या करेंगे, तब आपको एक काम करना है माइनस है ना इधर, तब आपको एक काम करना है x बाय टू, यानी कि जो भी यहां पे एंगल है ना उसके आधे से आपको करना है, यहां प्लस है तो बार माइनस से करना है और अंदर अगर माइनस है तो बार प्लस साइन से करना है। ये प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, जैसे ये इंटीग्रेशन का काम है 12th क्लास में भी ये सब अपन ने किया हुआ है, वहां पे तो ये सारे किए हुए हैं, वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी किए हुए हैं e की पावर एक्सपोनेंशियल पार्शियल फ्रैक्शन, ये सब अपन ने सॉल्व किए हुए होंगे ठीक है। अब देखो तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे e की पावर माइनस समथिंग प्लस वन, e की पावर माइनस समथिंग प्लस वन, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा e की पावर प्लस इस एंगल बाय टू के, e की पावर प्लस इस एंगल बाय टू से, क्योंकि अंदर माइनस है तो बार प्लस से होगा और जो भी एंगल होता है उसके हाफ से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो देख लो लिमिट्स क्या लगेगी, लिमिट्स वही जीरो से टी, और इसकी लिमिट क्या लगेगी जीरो से एक्स, पहले ऊपर जीरो था वही ओरिजिन है और ये एक्स डिस्टेंस कवर कर गया, तो एक्स कितना आएगा माइनस एम जी वाई के का रूट ठीक है, माइनस एम जी बाई के का रूट। अब क्या करते हैं यहां पे जीरो से टी ई की पावर माइनस प्लस से करना होगा क्योंकि अंदर माइनस है, वन बाय टू के जी बाई एम टी, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसी से डिवाइड कर दो, और ये क्वांटिटी सेम पड़ी है आपके पास एम का रूट टी प्लस वन, और यहां है ए की पावर माइनस के जी बाई एम का रूट टी माइनस वन ठीक है। अब अंदर ले जाओ इसको, अंदर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये प्लस वन बाई टू ये माइनस वन, तो बचेगा e की पावर माइनस वन बाई टू के जी बाई एम टी प्लस वन, और नीचे क्या बचेगा ये प्लस है ये माइनस है, तो e की पावर माइनस वन बाई टू के जी बाई एम का रूट टी माइनस वन। अब देखो और यहां पे है माइनस एम जी बाई के का रूट और ये है डी टी, मैं इस क्वांटिटी को ये परेशान कर रही है बहुत बड़ी क्वांटिटी है ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूं पी
इस क्वांटिटी को मैं लेट कर लेता हूं पी, के जी बाई एम का रूट टी इक्वल टू पी, कॉन्स्टेंट को नहीं बस इसी को लेट कर लो, तो के जी बाई एम तो कॉन्स्टेंट है, डी टी इज इक्वल टू डी पी। अब डी टी की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, ये देखो के जी बाई एम का रूट पड़ा है आपके पास, के जी बाई एम जो यहां पे उल्टा है, डी टी को सब्सिट्यूट करोगे कितना आएगा, डी पी डिवाइडेड बाय के जी एम रूट। ठीक है, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, देख लो जी कैंसिल हो रहा है और ये के रूट के, रूट के रूट के क्या हो जाएगा, के रूट एम कितना हो जाएगा, एम माइनस एम बाय के। और यहां मैंने क्या कर लिया, लिमिट्स एक बार नहीं रखा मैं, ई की पावर माइनस पी बाई टू प्लस वन और ई की पावर माइनस पी बाई टू माइनस वन डी पी। अब देखो बस अब ये सॉल्व हो गया, अब इसको कुछ और लेट कर लो, इसको कुछ और लेट करोगे ई की पावर माइनस पी बाई टू माइनस वन तो कितना आएगा, मान लेते हैं ई की पावर माइनस पी बाई टू माइनस वन, इसको मैं लेट कर लिया लैम्डा, ये माइनस पी बाई टू ई की पावर माइनस पी बाई टू ये आ गया आपका। अच्छा ये थोड़ा यहाँ पे गलत कर दें, ये प्लस वन नहीं आएगा, ये माइनस वन नहीं आएगा, जब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया था तो ये ई की पावर वन बाई टू के जी बाई एम का रूट टी, और यहाँ क्या आ जाएगा ई की पावर वन बाई टू के जी बाई एम का रूट टी, ये आएगा आपका। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ये बन गया आपका e की पावर प्लस पी बाई टू और ये e की पावर प्लस पी बाई टू। अब मैं लेट कर लिया, अब मैं लेट कर रहा हूं इस नीचे वाली को, डिनोमिनेटर को लेट कर लो, डिनोमिनेटर को लेट करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो e की पावर माइनस पी बाई टू माइनस e की पावर पी बाई टू, इसको लेट कर लो कुछ लैम्डा है, एक और कॉन्स्टेंट मान लिया, तो माइनस पी बाई टू बार e की पावर माइनस पी बाई टू सेम और माइनस पी बाई टू, यहां करोगे e की पावर माइनस ये माइनस आ गया और e की पावर पी बाई टू डी पी इज इक्वल टू डी लैम्डा। तो देखो यहां भी तो पी बाई टू आएगा, तो मैं माइनस पी बाई टू कॉमन ले लेता हूं, e की पावर माइनस पी बाई टू प्लस e की पावर पी बाई टू डी पी इज इक्वल टू डी लैम्डा। ये देखो ऊपर यही तो है, तो अब ये चीज को मैं लैम्डा लेट कर लिया तो नीचे तो लैम्डा आ जाएगा, ये चीज इंटू डी पी कितना है, डी लैम्डा इंटू में टू by p minus, तो d lambda by lambda कितना हो जाएगा log lambda, तो आप इसको फिर lambda को e की power p में convert कर देना, फिर p को ये रख देना, तो आपका x का expression आ जाएगा with respect to time। देखो उन्होंने x का expression नहीं पूछा हुआ था टिफर वाले question के अंदर, उन्होंने question पूछा हुआ था velocity तक, ठीक है, ये नहीं पूछा हुआ था x वाला, ये तो मैंने आगे जनरल बता दिया, इतना बड़ा question वैसे नहीं आता होता क्योंकि इसमें calculation बहुत ज्यादा है, इंटीग्रेशन वगैरह ये सब बहुत ज्यादा है, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में एक और वो चीज कर सकता है, क्या कर सकता है, जैसे आपको ये मास दिया हुआ था, ठीक है, ड्रॉप किया उसने यहाँ पे, x जीरो है, t यहाँ पे जीरो है, एट इंस्टेंट टाइम t वेलोसिटी v है, x ये है, मान लेते हैं यहाँ से ड्रॉप किया ना, ये पूरा यहां तक पहुंच गई नीचे, ये आपके ग्राउंड है, इसने हाइट कवर की है कितनी h, तो वो कहता है इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि टाइम आपको क्या लगाना पड़ेगा जीरो से यहां तक इसी केस के अंदर, तो वेलोसिटी जो आपकी आएगी वो फाइनल वेलोसिटी आएगी जो कि इस एक्सप्रेशन के अंदर आएगी, फिर आप उसको मास से मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड कर दोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये सब सोल्व करके देखना, तो एक्सप्रेशन आपका मैं बता देता हूं कितना आएगा, एक्सप्रेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी का एम स्क्वायर जी बाय टू के वन माइनस ई की पावर माइनस टू के एच बाय एम। अब आपको लग रहा होगा इसके अंदर टाइम तो कहीं आ ही नहीं रहा, एच कैसे आ रहा है, तो आपको इसके अंदर देखो एक और तरीका यूज करना है, देखो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है डीवी बाय डीटी, एक्सेलरेशन आपका क्या होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डीटी स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन आपका ये भी तो होता है v dv by dx, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे,
कैसे, देखो जो अपने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी मैंने, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ, एम जी इधर, के वी स्क्वायर इधर, एम ए इधर, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आया था, जी माइनस के बाय एम वी स्क्वायर, यही आया था। मैं एक्सेलरेशन को इस बार क्या लिखता हूँ, वी डीवी बाई डी एक्स, जी माइनस के बाय एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां आ गया वी डीवी, और ये डिवाइड में आ जाएगा जी माइनस के बाय एम वी स्क्वायर इंटीग्रेशन, और यहां इंटीग्रेशन। वेलोसिटी कहां से जाएगी, जीरो से एफ, जीरो से वी एफ, और वी एफ ही निकालना है अपने को फाइनल वेलोसिटी, तभी उसका स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी आएगी। और हाइट जीरो से कहां तक जा रही है, एच तक, बस सोल्व कर दो। इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ये वही इंटीग्रेशन बन रहा है, नहीं इस बार तो वो इंटीग्रेशन भी नहीं बन रहा, इसको कुछ लेट करोगे तो ये टू वी आएगा, ऊपर वी डी वी पड़ा है, तो आप इसको इजिली इसको लेट करके टी के इक्वल या पी के इक्वल उसको डिफ्रेंशिएट करके ऊपर बना के सोल्व कर देना, आपका आंसर काइनेटिक एनर्जी का ही आएगा। ये भी टिफर में आया हुआ है, टिफर 2014 का क्वेश्चन है ये, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़े टफ है, खुद से प्रैक्टिस करके देखना, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने लगेंगे, और इसमें भी अपन डिस्कस करेंगे अभी और थोड़ी प्रॉब्लम्स जो कि आई हुई है जेआरएफ के अंदर और जेस्ट के अंदर। गाइस यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये देखो ये टू लिखना मैं भूल गया, ये यहाँ टू आया था अपना, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, 1/2a, तो ये टू लिखना भूल गया मैं इधर, यहाँ ये टू आएगा, यहाँ टू आएगा, जो भी एक्सपोनेंट के साथ टर्म आ रही है उसके अंदर क्या बनेगा आपका, टू। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन जो वेलोसिटी का वो बनेगा ये बनेगा। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर है, वी को डीएक्स बाई डी टी आप सोल्व करोगे, और अब तो वो इजी हो गया सोल्व करना, ये ई की पावर -2x है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस बार ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है, क्योंकि माइनस है तो प्लस है, और ट्वाइस है तो एंगल हाफ से, मल्टीप्लाई कर लेना। ई की पावर एक्स मतलब ये आपका एक्स है, के जी बाय एम का टी का रूट, ये सब आपका एक्स है, तो इसको सोल्व करोगे ये आएगा। और ये वाला जरूर ट्राई कर लेना, काइनेटिक एनर्जी टिफर 2014 का अंदर आया हुआ था, यहां से सोल्व करना है इसको, जीरो से वी एफ, यहां जीरो से एच, इसका इंटीग्रेशन करोगे ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आया हुआ है जेस्ट के अंदर, ठीक है, जेस्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादातर इसके क्वेश्चन जो है वो जेस्ट के अंदर और टिफर के अंदर आते हैं, और जेआरएफ के अंदर आए हुए हैं लेकिन वो एक दो बार ही आ रखे हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अभी तक अपन ने डिस्कस किया था कि बॉल को अपन ने ड्रॉप किया तो उस पे एयर रेजिस्टेंस लगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जो कि वेलोसिटी के, एक बार अभी अभी सॉल्व किया है जो कि प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी स्क्वायर के, बॉल ड्रॉप किया था। इस बार क्या करेंगे, बॉल को थ्रो करेंगे, बॉल को ग्राउंड से किसी इनिशियल वेलोसिटी वी जीरो के साथ थ्रो करेंगे, थ्रो करेंगे तो बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर, एम जी का लग रहा है नीचे, और बॉडी ऊपर जा रही है तो उस पर डैम्पिंग फोर्स यानी कि जो रजिस्टिव फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, यानी कि एम जी भी नीचे और रजिस्टिव फोर्स भी नीचे। और अब ये जो रजिस्टिव फोर्स लगाएंगे वो वही दो केस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो जो पेपर में आया हुआ है वो दोनों आए हुए हैं, वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट आया हुआ है, वेलोसिटी स्क्वायर पे भी डिपेंडेंट आया हुआ है। मैं आपको वेलोसिटी स्क्वायर वाला करवाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा टफ है, और जो वेलोसिटी वाला है वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे होगा। आपने क्या किया, ये बोल दिया आपके पास जिसका मास एम है, वेलोसिटी वी जीरो से आप वी जीरो से आपने इसको क्या किया, फेंक दिया ऊपर, ये क्या करेगी, ऊपर तक जाएगी, यहां इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एच हाइट ही अटेन करेगी, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, यहां पे टाइम टी हो गया, ये सब चीजें हैं, तो एट एनी इंस्टेंट टी मैंने ये कंसीडर कर लिया, इधर इस पे एम जी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, रेजिस्टेंस किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, जो कि वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और टोटल एक्सेलरेशन किधर है पार्टिकल का, ऊपर की तरफ, ऊपर जा रही है ना टोटल मोशन, तो एफ नेट कितना है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो एफ नेट कितना लग रहा है, ये ऊपर की तरफ है एम ए, और ये दोनों नीचे की तरफ, यानी कि यहां लगेगा माइनस एम जी माइनस के वी स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, एम से डिवाइड कर देते हैं, जी प्लस के बाय एम वी स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करना है, वही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और पोजीशन का एक्सप्रेशन निकालना है, तो वी ए को क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी, तो वी को इधर ले आओ,
डी टी को इधर ले जाओ, जी प्लस के बाय एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला वो लगेगा, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इसीलिए वो फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको दोनों। टाइम देखो, टाइम जीरो से यहां मान लिया टाइम जीरो है और यहां टाइम टी है, टाइम जीरो से टाइम टी तक जा रहा है, और वेलोसिटी पहले कितनी थी वी जीरो, वेलोसिटी कितनी थी वी जीरो, और आखिरी में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, आखिरी में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो। लेकिन अपन आखिरी तक मोशन डिस्कस कर ही नहीं रहे, अपने तो एट एनी इंस्टेंट टी यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी वी होगी, तो मैं यहां पे जीरो ना लेके इसको वी लूंगा। अगर आपको वो बोल रहा है फाइनल जो फाइन यहां तक पहुंचना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जीरो लेट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको यहां से यहां तक जाना है तो फाइनल जो पॉइंट होगा ऊपर वहां वेलोसिटी जीरो, तो लिमिट कहां वी जीरो से जीरो लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं कि लिमिट अपने को कौन सी लगानी है, यहां पे क्या निकालने को बोला हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको जो मास है वो वन दिया हुआ है, यूनिट मास दिया हुआ है, मास यूनिटी दिया हुआ है, और जो लिमिट लगानी है वो जीरो तक लगानी है। आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है वी जीरो के लिए, जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा ऊपर तो लिमिट लगेगी वी जीरो से वी तक। अब इसको सोल्व करो, देखो यहां इसको सोल्व करोगे तो टी लिमिट इसकी जीरो से टी, इसको देखो इससे कंपेयर करने की कोशिश करो। मैं ऐसे करता हूं, इसको के बाय एम कॉमन ले लेता हूं, के बाय एम कॉमन ले लेता हूं, इसमें से के बाय एम कॉमन लूंगा तो यहां एम बाय के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी कि रूट का स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट में हो रहा है लेकिन समझ जाओ, ये उल्टा हो जाएगा एम बाय के, और यहां क्या बनेगा वन बाय ए, ए कितना ये रहा वन बाय ए एम जी बाय के का रूट, ये तो है आपका के, टेन इनवर्स एक्स कितना है वी, ए कितना है एम जी बाय के का रूट, और लिमिट लगेगी जीरो वी जीरो से जीरो। आपको वी जीरो का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि किस वेलोसिटी से मैंने उसे प्रोजेक्ट किया था, तो यहां कितना आ जाएगा माइनस टी, ये कितना आ रहा है, ये आपके पास के से ही कैंसिल होगा, नीचे आएगा रूट के, ये एम कैंसिल होगा ऊपर रूट एम और नीचे जी, तो ये आएगा रूट एम बाय के जी, ठीक है। और इसमें अपन रख देते हैं टेन इनवर्स जीरो माइनस टेन इनवर्स वी जीरो बाय के बाय एम जी का रूट, मैंने के को ऊपर भेज दिया, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, माइनस टेन इनवर्स वी जीरो ये रूट एम जी और ये रूट के, तो यहां माइनस टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां पे कितना आएगा वी जीरो का एक्सप्रेशन कितना आएगा, और ये मल्टीप्लाई में ही है, ये भूल गए अपन एम बाय के जी का रूट, तो ये इधर जाएगा के जी बाय एम का रूट इंटू टी, टेन इनवर्स इधर आके टेन हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ रहा है वी जीरो के बाय एम जी का रूट, तो वी जीरो का एक्सप्रेशन कितना आ गया एम जी बाय के का रूट, और ये टेन यहां पे आ रहा है आपका के जी बाय एम का रूट टाइम्स टी। और अब आपको क्या करना है एम वन रखना है, एम वन रखोगे तो कितना आएगा जी बाय के का रूट टेन रूट के जी इंटू टी, ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। चेक कर लेते हैं यही है क्या, नहीं बिल्कुल करेक्ट है। और टाइम आपको यहां पे दिया हुआ है पहुंचने के लिए टी जीरो लगता है, टाइम टी जीरो लगता है तो लिमिट जीरो से टी जीरो हो जाएगी और आंसर में आपका टी जीरो आ जाएगा। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया आपका वेलोसिटी का, आई होप आपको यहां तक दिख रहा होगा एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो हो गया अपना वेलोसिटी का, सिमिलरली पोजीशन के लिए भी अपन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यही पूछा हुआ था क्योंकि यही बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। वेलोसिटी यहीं तक पूछा हुआ था, ये जस्ट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर मेरे को ध्यान नहीं है कौन सा है, ईयर यहां पे लिखा ही हुआ मैंने,
जस्ट के अंदर पूछा होगा। अब एक और सेम क्वेश्चन, अब मैंने वेलोसिटी का स्क्वायर लिया है इसी सेम क्वेश्चन के अंदर, यहां पे इसी सेम क्वेश्चन के अंदर अगर आपको वेलोसिटी का स्क्वायर ना देके वो आपको दे देगा वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ना होने की बजाय वेलोसिटी की पावर वन के प्रोपोर्शनल है, तब वेलोसिटी कितनी होगी वी जीरो। तो ये आपको सोल्व करना है। आंसर मैं आपको भी बता देता हूं इसका क्या आएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास एम जी बाई के ई की पावर के टी जीरो बाई एम माइनस एम। टी जीरो वही टाइम है जो कि इसको यहां से यानी कि टी इक्वल टू जीरो से लेके यहां तक पहुंचने में, ये टी जीरो है, लिमिट जीरो से टी जीरो लगेगी टाइम की, वेलोसिटी की वी जीरो से वी। तो ये एक्सप्रेशन आएगा और ये आपको सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क है और इजी है। वी स्क्वायर वाला थोड़ा टफ था, मैंने करवा दिया, ये इजी है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो आपका आया हुआ है जेआरएफ के अंदर और ईयर है आपका दिसंबर 2013 का, दिसंबर 2013, दिसंबर 2013। तो क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इसमें इंक डालेंगे, इंक पहले डालनी पड़ेगी। चल नीरा मार्कर देख, नीरा ना इस पे, देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेना आप ये थोड़े, जैसे अभी ये जस्ट के अंदर आया हुआ, टिफर के अंदर आया, और भी आपको मैं क्वेश्चन हो सकता है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूं, तो आप वो क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा टॉपिक अच्छा हो जाएगा आपका, और इस पर क्वेश्चन आता भी है श्योर शॉर्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस पर ज्यादा से ज्यादा। मैं तो यहाँ पे कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही करवा सकता हूँ। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, दिसंबर 2013 का आया हुआ है यह क्वेश्चन। आपको एक बॉल दी हुई है, अभी भी नहीं चल रहा है तो, आपको एक बॉल दी हुई है जिसकी रेडियस आर दी हुई है, डेंसिटी उसकी रो है, ड्रॉप किया है आपने यू इक्वल टू जीरो, मतलब ड्रॉप किया है, टाइम भी यहां पे जीरो है। इसको रखा हुआ है किसी लिक्विड मीडियम के अंदर, लिक्विड मीडियम के अंदर रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर लगेगा ड्रैग फोर्स। क्या लगेगा? ड्रैग फोर्स, जो कि आपको गिवन है, लगेगा स्टोक्स लॉ से, जो कि लगेगा स्टोक्स लॉ से, और वो होता है 6 पाई नीटा आर वी, 6 पाई नीटा आर वी, वेयर नीटा इज द विस्कोसिटी ऑफ दिस मीडियम, आर इज द रेडियस ऑफ दिस मास जो भी आपको दिया हुआ है, एंड वी इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लेता हूं इसकी इस टाइम वेलोसिटी वी है, विस्कोसिटी नीटा है, रेडियस इसकी आर दी हुई है आपको, ठीक है। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा? 6 पाई नीटा कैपिटल आर इनटू वेलोसिटी वी। एमजी नीचे लग रहा है, एमजी किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, और बॉडी नीचे मूव कर रही है तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स कितना है? एमजी माइनस 6 पाई नीटा आर वी। अब वो पूछ रहा है कि एक बॉडी आपको दे रखी है जिसका मास है एम, एक बॉडी दे रखी है जिसका मास है 8m, एक बॉडी दे रखी है मास m की, एक बॉडी दे रखी है मास 8m की। वो कहता है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी के हाफ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी vt के हाफ तक पहुंचने में लगने वाला टाइम आपको दिया हुआ है टाउ m टाउ 8m, इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको। अब इसके लिए आपको मैंने कहा था देखो बेसिक फ्लूइड्स आप पढ़ लेना, वैसे यहां मैं थोड़ा बता दूंगा, लेकिन ये सब तो सिंपल चीजें हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स, ये सब क्या है। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है? जब देखो जब भी आपने इस बॉल को ड्रॉप किया
नीचे मूव कर रही है, वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि इस पे ड्रैग फोर्स लग रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी जब होगी तो पता है क्या केस होगा, ये आपको दिया हुआ मास है जिसकी रेडियस आर है, डेंसिटी रो है, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा ना, तो इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स है लगने वाला mg, और जो ऊपर लगने वाला 6 पाई नीटा r v, v कौन सा, vt। देखो यहाँ भी वो आता है जो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, 6 पाई नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस, वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी वी है, यहाँ वी टी है, तो ये आपस में बैलेंस करेंगे, और जो जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि एम जी बैलेंस करेगा 6 पाई नीटा r v को, तो यहां से अपने सबसे पहले क्या निकलेंगे, वी टी, 6 पाई नीटा r v t इज इक्वल टू एम जी। उसने दिया हुआ है डेंसिटी रो है, रेडियस आर है, मास का कुछ नहीं पता, और अपन को पूछा है मास पे डिपेंडेंसी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी पहले फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय 4/3 πr³। यहां से मैं आर का एक्सप्रेशन निकाल लेता हूं, आर का एक्सप्रेशन कितना आएगा, 3m/4πρ³। मैं रेडियस को रिमूव करके मास लेके आऊंगा सिस्टम के अंदर, ताकि मैं जब टाउ निकालू टाइम टेकन तो वो कैसा आए, एम पे डिपेंड करे, और फिर मैं उसमें एम एम और एट एम रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। क्या रखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एक्सेलरेशन को डीवी बाय डीटी रखना है, डीवी को अलग कर लेना है, डीटी को अलग कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है, लिमिट क्या आएगी, 0 से vt/2 और टाइम 0 से tau, क्योंकि उसने tau बोला एक बार m के लिए एक बार 8m के लिए, तो देख लेते हैं। ये रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया, तो 6 पाई नीटा r v, मैं यहां पे r की वैल्यू रख देता हूं, 6 पाई नीटा r कितना है, 3m, ये कितना है, 3m/4πρ³ इंटू वी टी इज इक्वल टू एम जी। मुझे मास पे डिपेंडेंसी देखनी है, ये सब कॉन्स्टेंट है, 6 पाई नीटा 3 की पावर 1/3, 4πρ³ की पावर 1/3, आएगा क्या, m की पावर 1/3, इस सबको मैं कॉन्स्टेंट मान लेता हूं कुछ के, वी टी इज इक्वल टू एम जी। वी टी कितना आ गया, m की पावर 1, ये m की पावर 1/3, ये कितना आ जाएगा, m की पावर 2/3 g/k, ये आपकी vt है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगेगी, देखो m है नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, माइनस, नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव, तो माइनस 6 पाई नीटा, आर की जगह अपन को मास लेके आना है, आर की जगह मैं मास लेके आ रहा हूं, 3 की पावर 4πρ³ की पावर 1/3 इंटू वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस टाइम वी अपनी। अब मुझे क्या करना है, ये सब कॉन्स्टेंट है, एम की पावर ए, एम की पावर जी, माइनस, ये सब कॉन्स्टेंट है, मैंने यहां के लिया था, इसको मैं के ले लेता हूँ, k की पावर 1/3 v, मास से मतलब है, ठीक है, मास से डिवाइड कर देता हूं, जी माइनस के, एम की पावर 1/3 बाय एम वी, एम की पावर 1/3 और ये 1/3 माइनस एम, -2/3, यानी कि यहां क्या आएगा, एम की वैल्यू की पावर -2/3। अब क्या करना है, एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा डीवी बाय डीटी, वी वाली टर्म सारी इधर ले आओ, जी माइनस के, एम की पावर -2/3 इंटू वेलोसिटी और यहां डीटी, इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट क्या करनी है, टाइम निकालना है आपको 0 से tau, और वेलोसिटी कहां तक, 0 से vt/2, 0 से vt/2 टर्मिनल वेलोसिटी के हाफ की वैल्यू पे, ये आपको लिमिट रखनी है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये मैं सारा रफ कर रहा हूं इधर से, अब ये दिसंबर 2013 में 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा था, ये इसको सॉल्व करो, देखो 1/v log जी माइनस के एम की पावर -2/3 वी, अब वी अकेला नहीं है, वी के साथ क्या है, माइनस के एम की पावर 2/3, तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस के एम की पावर -2/3, लिमिट 0 से vt/2, और टी क्या आएगा, टाउ रख दो, एम की पावर 2/3 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा माइनस के, अब मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूं, लोग जी माइनस के एम की पावर -2/3 vt/2, माइनस 0 रखूंगा तो लोग जी,
ये किसके इक्वल आ रहा है, टाउ के, माइनस एम की पावर 2/3 के। देखो टाउ किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, यही तो रखना है। एक बार अब क्या करना है, मास एम रखना है, एक बार एट एम रखना है, और उनका रेशो निकालना है। पहले रख लो, देखो वीटी की वैल्यू कितनी थी, एम की पावर 2/3 जी बाय के। वीटी की वैल्यू मैं रखूंगा जी माइनस के एम की पावर माइनस 2/3/2। वीटी की वैल्यू कितनी है, एम की पावर 2/3 जी बाय के माइनस लोग जी। तो ये कितना आ गया, के से के गया, एम की पावर 2/3 से एम की पावर 3 गया, जी माइनस जी बाय 2 कितना आएगा, जी बाय 2। इसमें यही कर देते हैं करेक्शन, ये कितना आएगा, जी बाय 2। यहां दिया हुआ है माइनस लोग जी, लोग ए माइनस लोग बी क्या होता है, लोग ए बाय बी, यानी कि ये आ जाएगा आपका जी डिवाइड में, ठीक है। जी से जी कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा ये माइनस एम की पावर 2/3 के लोग, ये कितना है, लोग 1/2, लोग 1/2 होता है लोग 1 माइनस लोग 2। लोग ए बाय बी इज इक्वल टू लोग ए माइनस लोग बी, लोग 1 आपका 0, तो ये क्या आ गया, प्लस एम की पावर 2/3 के लोग 2। तो आपका टाउ जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एम की पावर 2/3 पे। अब आपको बस कुछ नहीं करना, टाउ की डिपेंडेंसी एम पे आपको पता लग चुकी है, जो कि एम की पावर 2/3 पे है, ये तो कांस्टेंट है के लोग 2। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा एट एम से, यानी कि यहां पे आप रखोगे एम की जगह एट एम की पावर 2/3, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एम की पावर 2/3 से एम की पावर 2/3 या 8 की पावर 2/3, मैं इसको लिख देता हूं 2 की क्यूब 8, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर 4, तो ये रेशियो कितना आ गया, 1/4। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर 2013 के अंदर। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं टेलीग्राम ग्रुप में, मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।